कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन। सिंगरौली जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजीव रंजन मीना के निर्देश अनुसार जिले के संपूर्ण राजस्व सीमाओं में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। कलेक्टर के निर्देश के परिपालन एवं अपर कलेक्टर श्री डीपी बर्मन एवं एडिशनल एसपी अनिल सोनकर के नेतृत्व में आज परसोना कन्वेयर के पास स्थित नाका में संयुक्त कलेक्टर बीपी पांडे एवं एसडीएम ऋषि पवार के द्वारा कई आने जाने वाले वाहनों की जांच की गई। साथ ही एसडीएम ऋषि पवार द्वारा कोविड नाका में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को रोका टोका जाकर पूछताछ की गई एवं बिना कार्य से बाहर निकले लोगों को वापस उनके घरों में भेजा गया। इसी के साथ ही बिना कारण के घर से निकलने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही इस अवसर पर एसडीएम ऋषि पवार ने सड़क पर निकलने वाले लोगों को हिदायत दी कि अपने घरों में रहे, अनावश्यक बाहर न निकले। इस मौके पर पुलिस के साथ ही सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ता भी एसडीएम ऋषि पवार के निरीक्षण में साथ रहे। देखिए आप लोग दोनों के यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है और डॉक्टर मदर द्वारा अत्यावश्यक सेवाएँ और जो जिले में चल रही परियोजनाओं जिसमें बहुत सारे कर्मचारी यहाँ पर कार्यरत है और जो भी बहुत अत्यावश्यक कार्य जो वाहन चल रहे हैं उसके संबंध में आज हमने चेकिंग करी। उसमें कई लोग जो अनावश्यक रूप से लोग टहल रहे थे उनको वापस किया गया। उनसे चेतावनी दी गई है कि वो अनावश्यक रूप से यहाँ पर न टहलें और लॉकडाउन का पालन करें और कोरोना के बढ़ते प्रसार को रोकने में हमारा प्रयोग करें। सर, जैसा कि अभी एक हिंडाल्को की गाड़ी पकड़ी गई है, उस पर क्या इस संबंध में अभी उसको नोटिस जारी किया जा रहा है, नोटिस जारी किया जा रहा है कि कोरोना के नियम का पालन के संबंध में तत्काल अभी जो यहाँ के एसआई हैं वो रिएक्शन कर रहे हैं और संबंध में नोटिस जारी किया जा रहा है।